राज्य में तीजी लहर नो कहर यथावत है। राज्य में छेल्ला 24 कलाक में कोरोना नवा 16,808 केस सामे आव्या। जेमांथी अमदावाद में 5,386 केस, वडोदरा में 3,802 केस, सूरत में 1,446 और राजकोट में 1,652 नवा केस सामे आव्या छे। तो वळी आज राज्य में 28 दर्दीओना मृत्यु पण थया छे, जे तीजी लहर नो सौथी वधारे मृत्युआंक छे। तो आज 17,467 दर्दीओ रिकवर पण थया छे। चौबीस कलाक में राज्य में कोरोना नवा 16,608 केस सामे आव्या छे। 28 दर्दीओना मृत्यु थया छे, ज्यारे 17,467 दर्दीओ रिकवर पण थया छे। तो राज्य में कोरोना एक्टिव केसनी संख्या 1,34,261 पर पहुंची छे। ज्यारे केस में बात करवामां आवे अमदावादनी, तो अमदावाद में 5,386 केस सामे आव्या। वडोदरा में 3,802 केस, राजकोट में 1,652 केस नोंधाया छे, ज्यारे सूरत में 1,746 केस छे। तो जामनगर में 446 केस, गांधीनगर में 480 केस सामे आव्या छे, ज्यारे भावनगर में 315 केस सामे आव्या छे। तो महेसाणा में 277 केस, भरूच में 273 केस, मोरबी में 254 केस, कच्छ में 244 केस, वलसाड में 238 केस छे, पाटण में 198 केस छे, बनासकांठा में 172 केस सामे आव्या छे। ज्यारे साबरकांठा की बात करिए तो साबरकांठा में 159 केस सामे आव्या छे। समाचार में आगळ वात करीए वलसाडनी, तो वलसाडमां नव दंपतीने पोलीस स्टेशनमां राखवा अंगे तपास थशे। रेन्ज आईजी राजकुमार पांडीए तपासना आदेश आप्या छे। तो तपास करीने वलसाड एसपीने 24 कलाकमां रिपोर्ट सोंपवा आदेश करवामां आव्यो छे। डीवायएसपी कक्षाना अधिकारीने तपास करवा निर्देश करवामां आव्यो छे अने पोलीस अने प्रजा वच्चे संबंधो सुधरे ते माटे एसपीए ट्वीट कर्युं अने तपास बाद जवाबदारो सामे कार्यवाही थशे तेवुं पण जणाव्युं हतुं। पोलीस लग्न प्रसंगनी गाइडलाइन्स तो ज्यारे भंग थाय त्यारे सामान्य रीते वरराजा के दुल्हनना परिवारजनों सामे कार्यवाही करती होय छे। दुल्हा अने दुल्हन सामे मानवताना धोरणे कार्यवाही नथी करती होती। गुजरात में भी प्रथम घटना छे के जेमां वलसाड पोलीसे कर्फ्यू भंगना मामला में दुल्हा अने दुल्हन ने पण न छोड्या। राज्यमां रात्रि कर्फ्यूना नियम केटला कड़क छे तेनो अनुभव वलसाडना एक नव दंपतीने थयो। वलसाड शहर में पुलिस की रात्रि कर्फ्यू की कड़क अमलवारी कारण लग्न पूर्ण करी परत फरी रहे नवदंपति ने पुलिस स्टेशन में सरभरा थी। जानैयाओं ने पुलिस लई गई, जो कि कायदाकीय प्रक्रिया बाद तमाम ने जवा देवाया। आ दौड़धाम में नववधु बीमार पड़ी गई, तो साथ ज परिवारजनों ने पण पुलिस स्टेशन पगथिया गणवानो वारो आव्यो। अमे लग्न करीने हटाहट अमने ओवरब्रिज पासे आव्या, अमने हटकाववामां आव्या। अटकाववा साहेबे पूछ्यु का आव्या, आ तो वडोजने पेलू छे ने एम कीधुँ के चलो आलोक ने नवा घरे लई जाओ, इंगे पुलिस के पुलिस स्टेशन लई जाओ, आलोक पास फरियाद करो। अमने पुलिस स्टेशन लई गया था, 2.5 कलाक कही रहे लोग के अमरा साथे, ने FIR फाड़ी ने पछी मोकली आपे के काले जामीन लईने आवजो 10-10 जना। वरराजा अने परिवारजनोए आक्षेप लगावता कह्युं के कर्फ्यू भंगनी अमारी सामे कार्यवाही करो अने नव दंपतीने जवा दो, परंतु पोलीस एकनी बे ना थई अने अमारी साथे गैरवर्तन करी पुलिस स्टेशन लई गई। ક્યાં ગયેલા? તો એમને કીધું કે અમે લગ્ન હતા, એટલે કે તારા આ કેટલા વાગ્યા? ચોક્કસ કર્ફ્યુનો ભંગ થયો છે, ભાઈ અમારો એક મજબૂરીનો ભાગ છે, અમે કોઈ જાણી જોઈને ગુનો કર્યો નથી, રાત્રે વિદાય કરતાં થોડું મોડું થયું, રિક્વેસ્ટ કરી। સામાન્ય રીતે રાત્રિ કર્ફ્યુ કે કોરોનાના નિયમો સૌ માટે સમાન છે, તે પછી સામાન્ય જનતા હોય કે પછી નેતાઓ, પણ પોલીસની કામગીરી કેમ જનતા સામે જ થાય છે તે પણ એક મોટો સવાલ છે। ભરતસિંહ વાઢેર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વલસાડ।